हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक टू माय चैनल ग्रीन ट्री प्लान नर्सरी। हमारे ग्रीन ट्री प्लान नर्सरी का वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाई को स्वागत करती हूँ। आज हमने फिर से आप लोग के लिए कुछ नया नया वैरायटीज हम दिखाएंगे इस वीडियो में, और बाहर का कुछ कलेक्शन हम दिखाएंगे, और ग्रेप्स का कुछ नया नया वैरायटीज दिखाएंगे, और वीडियो पूरा तक देखते रहे, ठीक है सर। ये जो वैरायटीज आप देख रहे हैं, हमारा चाइना थ्री लीची का पौधा है। तो किशन छत हमारे पास कितना हेल्दी प्लांट है आप देख लीजिए। सभी इसका हाइट होगा आपको लगभग, सब ये पौधा आपको 3.5-4 फीट का पौधा है, और सब झाड़ वाला है क्योंकि सब ब्रांचेस वाला है। आप देख सकते हैं चाइना थ्री लीची, जो ये सीजन में आप लगाएंगे तो सामने सीजन में इसके ऊपर से आराम से फ्रूट आपको मिल जाएगा। और चाइना थ्री लीची का जो खासियत है, इसका जो फ्रूट आपको गुच्छे भर के लगते हैं, और इसका जो फ्रूट है राउंड शेप में गोल होता है, और इसका अंदर जो बीज होता है बहुत पतला रहता है, बिल्कुल सीडलेस वैराइटीज बोला जाता है। तो हमारे पास पौधा आप देख लीजिए कितना हेल्दी प्लांट है, आप देख लीजिए। तो ये पौधा लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लान नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए सब हम लोग एक एक करके लाकड़ी देखे कितना अच्छा प्लांट तैयार किया है, आप देख लीजिए। और लीची का जितने भी वैराइटीज है, ये वन ऑफ द बेस्ट वैराइटीज है क्योंकि इसका जो फ्रूट ज़्यादा पकड़ता है। और हम एक वीडियो पे आप लोग को दिखाया था जो ए सीजन में सब फ्रूट आना चालू हो गया था, ठीक है। लेकिन हमारा ये जो प्लांट है, ये प्लांट अब इस सीजन में लगाएंगे तो सामने सीजन में इसका ऊपर से आराम से फ्रूट मिल जाएगा, ठीक है। और चाइना थ्री लीची इसका जो फ्रूट मीडियम साइज़ का होता है, और ये गुच्छे भर के फ्रूट इसमें लगते हैं। और ये प्लांट आप देख लीजिए, इसका हाइट पूरा 3.5-4 फीट का पौधा भी मेरे पास मिल जाएगा। और ये जो देखा रहे हमारा मीडियम साइज़ का है, इसका बड़ा वाला प्लांट भी मिल जाएगा। कोई हाइट का पौधा चाहिए तो हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिया का कई भी जगह से प्लांट आप ऑर्डर कर सकते हैं, इतना हेल्दी प्लांट मेरे पास अवेलेबल है। देखिए कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, ये थाई केजीटन जामुन का पौधा है। देखिए हमारे पास कितना सारा पौधा स्टॉक पर हम लोग जो ग्राफ्टिंग करके प्लांट तैयार किया है, देख लीजिए। और केजीटन जामुन का जो मेन खासियत है, इसका जो फ्रूट होता है आपको ऊपर से ब्लैक कलर का होता है, और इसका अंदर थोड़ा सा गुलाबी काला टाइप का आता है, ठीक है। और इसका खासियत जो है, ये आपको 10 फ्रूट में 1 kg होता है। इसका जो फ्रूट है, एक एक फ्रूट में 100 ग्राम का वेट होता है। तो हमारा पास पौधा आप देख लीजिए, इसका जो हाइट है आपको लगभग 2-2.5 फीट का प्लांट है। हमारा बिग साइज़ का प्लांट भी मेरे पास मिल जाएगा, और ये प्लांट आप लगाएंगे तो ये सीज़न में, ये भी आपको सामने सीजन में आपको आराम से फ्रूट मिल जाएगा क्योंकि थाई वैराइटीज है, इसमें जल्दी फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। और इसका जो फ्रूट ज़्यादा भर के फ्रूट लगते हैं, ठीक है। जामुन का जितने भी वैराइटीज है, यही वन ऑफ द बेस्ट वैराइटीज है क्योंकि इसका जो फ्रूट देखने से आपको मन भर जाएगा, देखने से जितना सुंदर लगते हैं खाने के लिए उतना भी स्वीट लगते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा सब ग्राफ्टिंग वाला है, देखिए सब 2 महीने के ऊपर का ग्राफ्टिंग है, देख लीजिए। हमारा दो साल का आसपास का ग्राफ्टिंग वाला पौधा भी है, 2 महीने का ग्राफ्टिंग वाला पौधा है। जो हाइट का पौधा चाहिए तो हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारा सब कुछ प्लांट अवेलेबल मिलता है। हमारा थाई वेराइटीज़, बाहर का वेराइटीज़, सब कुछ प्लांट मेरे ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी पे अवेलेबल मिलता है, और इंडिया का कई भी जगह से प्लांट आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी का सुविधा भी मेरे पास अवेलेबल मिलता है, ठीक है। लेकिन 5-10 पीस प्लांट के लिए उसका रेट अलग होता है, आपको 100-200 प्लांट लेंगे तो उसका रेट अलग होता है, ठीक है। हम लोग होलसेल का प्राइस में हम लोग ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं, रिटेल होलसेल दोनों में मेरे पास अवेलेबल मिलता है, ठीक है। तो ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, ये है स्वीट इमली का पौधा है। तो किशन छत्री, ये भी एक अच्छा सुपर हिट वैराइटीज है। इमली का आपको दूसरा प्लांट आपको बाजार से जो मिलता है, उसका फ्रूट आने के लिए 4-5 साल लग जाता है, ठीक है। तो हमारा पास ये जो स्वीट इमली का पौधा है, ये प्लांट आपको लगाने के बाद आपको लगभग 1-1.5 साल का बाद में आपको फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाता है। और इसका जो फ्रूट है आपको खाने के लिए आपको स्वीट लगते हैं, ये कोई खट्टा का तरह नहीं लगते है। इसका ऊपर का आपको येलो कलर का होता है, और इसका अंदर रेड कलर टाइप का होता है, ठीक है। तो हमारा पास आप देख लीजिए ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, और इसका हाइट है आपको लगभग 2-2.5-3 फीट का पौधा भी मेरे पास है। देखिए पेड़ का कितना हेल्दी प्लांट है हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी में, आप देख लीजिए
तो ये प्लांट आप इंडिया का कई भी जगह से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, और इसका जो खासियत है ये कोई भी वेदर से और कोई भी मिट्टी से प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। और छोटा छोटा गमला के ऊपर ये प्लांट आप लगा सकते हैं, टेरिस गार्डन होम गार्डन बनाने के लिए प्लांट आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो पौधा है कितना हेल्दी प्लांट है आप देख लीजिए, देखिए ये है स्वीट इमली का पौधा है, जो कांचा हुआ खाइए आपको थोड़ा सा खट्टे का तरह लगेगा, लेकिन मैचर होने के बाद आपको पूरा स्वीट लगेगा। ये वाला पूरा नया वैरायटी से है वाला, देख लीजिए हमारे पास कितना हेल्दी प्लांट है, इमली का पौधा है, ठीक है। तो इंडिया का कई भी जगह से प्लांट आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारा होलसेल रिटेल दोनों में मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्लांट आप लगाएंगे तो आपको एक डेढ़ साल के अंदर में आपको फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो हमारे पास पौधा आप देख लीजिए सब ब्रांचेस वाला है, सब मैच्योर वाला प्लांट है। इसका जो ग्राफ्टिंग है एक साल का ऊपर हो गया, डेढ़ साल आप पकड़ लीजिए, ठीक है। डेढ़ साल का ग्राफ्टिंग है, देखिए सब डेढ़ साल का ग्राफ्टिंग वाला पौधा है। और इसका जो है आपको जोड़ ग्राफ्टिंग होता है, जोड़ ग्राफ्टिंग का खासियत यही होता है ये आपको जल्दी फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग वाला पौधा में इसका ग्रोथ करने का टाइम लगता है, और जोड़ ग्राफ्टिंग का जल्दी फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाता है। तो हमारा पास पौधा आप देख लीजिए बहुत ही हेल्दी प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ओके सर। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आप लोग देख सकते हैं ये एसम्बिल बातावी लेमन का पौधा है। किसान साथी इसका जो खासियत है, इसका जो फ्रूट होता है ऊपर से आपको ग्रीन कलर होता है और इसका अंदर पूरा रेड कलर का होता है, ठीक है। यह एसम्बिल बातावी लेमन का पौधा है, जो आपको इसका छोटा प्लांट में आपको फ्रूट आता है, ठीक है। इसका जो एक एक फ्रूट में आपको 400-500 ग्राम का वेट होता है। ये हाईब्रिड वाला है जो बड़ो साइज का होता है। और ये जो प्लांट है आपको, ये प्लांट आप लगाने के बाद आपको लगभग 7-8 महीने का अंदर में आपको फॉलर भी स्टार्टिंग हो जाता है। और इसका जो खासियत है आपको ऑल टाइम होता है, ठीक है। साल में 2-3 बार फ्रूट मिलता है। ये वाला प्लांट मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, सब डेढ़ साल का ग्राफ्टिंग वाला पौधा है। आप देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से कितना हेल्दी प्लांट है। और इसका पाता भी देखिए बिल्कुल अलग है। यह एसम्बिल बातावी लेमन का पौधा है। ये बहुत ही अच्छा सुपर हिट वेराइटी से, क्योंकि ये खाने के लिए काफ़ी अच्छा स्वीट होता है। और इसका मैच्योर होने के बाद इसका ऊपर का जो सील होता है पूरा येलो कलर का होता है, और इसका अंदर पूरा रेड कलर का होता है। और ये टेरिस गार्डन होम गार्डन बनाने के लिए प्लांट आप एक दो प्लांट आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपको छोटा छोटा गमला के ऊपर ये प्लांट आपको अच्छा फ्रूट इसका मिल जाता है, ठीक है। तो हमारे पास पौधा आप देख लीजिए सब मैच्योर वाला पौधा है, ठीक है। देख लीजिए सब मैच्योर वाला है, सब डेढ़ साल का ग्राफ्टिंग है। और ये छोटा छोटा गमला के ऊपर आप प्लांट आप लगा सकते हैं, और बहुत ही अच्छा फ्रूट इसका ऊपर से मिल जाएगा। और इसका जो फ्रूट का मात्रा गुच्छे भर के इसमें फ्रूट लगते हैं, जिसमें कोई सिंगल फ्रूट नहीं लगते है, ठीक है। और ये पूरा गुच्छे भर के आता है, और खाने के लिए काफ़ी अच्छा स्वीट होता है। और ऊपर का पूरा इसका जो फ्रूट है पूरा राउंड शेप में आता है, और इसका अंदर जो बीस होता है बहुत छोटा छोटा रहता है, ठीक है। ये एक बाहर का वैरायटी से, ठीक है, ये थाई वैरायटी से। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ओके सर। और इधर में हम ग्रेप्स का कुछ नया नया वैरायटी से हम इस वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी जो ग्रेप्स का प्लांट आप देख रहे हैं ये कोलोन 2 ग्रेप्स का पौधा है। तो किसान जैसे इसका जो फ्रूट होता है आपको पहले ग्रीन कलर आता है, और मैच्योर होने के बाद थोड़ा सा येलो कलर टाइप का होता है, ठीक है। तो हमारा पास आप देख लीजिए कितना हेल्दी प्लांट है। और इसका बहुत सारा कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है, भैया उसका ग्रेप्स का प्लांट के ऊपर एक बार वीडियो करके बना के भेजिए। तो आज हमने इस वीडियो में देखा रहे हमारा ग्रेप्स का प्लांट है, ठीक है। थोड़ा सा हम दिखाएंगे जो हमारा पास कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है, और इसका हम कैटलॉग भी लगा दिया है। लेकिन कोई प्लांट आपको उल्टा सीधा नहीं होगा, ठीक है। 100% जेन्युइन पौधा होगा हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी। और हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी जेन्युइन प्लांट देने के लिए आप लोग को फुल मदद करेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए सब 2 साल का काटिंग वाला पौधा है हमारा पास। इसका कोई ग्राफ्टिंग नहीं होता है, इसका जो होता है काटिंग होता है। और ये प्लांट लगाएंगे तो 1 साल का बाद आपको फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाता है। ये है ग्रेप्स का, ठीक है, कोलोन 2 ग्रेप्स का पौधा है। ये नया वेराइटी से है वाला,
देख लीजिए इसका, देखिए कितना अच्छा मैच्योर्ड वाला प्लांट है हमारा पास। और ये पौधा हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी पर अवेलेबल है। अगर कोई किशन भाई ये प्लांट प्लांटेशन करना है तो मेरा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। इंडिया का कई भी जगह से प्लांट हो जाता है, लेकिन ये जो प्लांट है आपको कई भी वेदर से कई भी मिट्टी से प्लांटेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्लांट है एक प्लांट आप लगाएंगे तो पूरा झाड़ हो जाएगा, ठीक है, पूरा ज़मीन भर जाएगा एक दो प्लांट में। देख लीजिए कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है। और इसका जो पहचान कैसे, इसका जो पाता है आपको देखने से मालूम पड़ जाएगा जो ये कौन सा वैरायटी से, ठीक है। ये कॉलन टू का इसका जो पाता है आपको थोड़ा सा काटिंग है इसका अंदर, ठीक है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा हमारे ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आप लोग देख सकते हैं आर के सीडलेस ग्रेप्स है, ठीक है, एक अच्छा सुपर हिट वैरायटी से। तो हमारे पास आप देख लीजिए आर के सीडलेस ग्रेप्स का पौधा है, और इसका जो फ्रूट है ये भी पहले ग्रीन कलर आता है और मैच्योर्ड होने के बाद थोड़ा सा येलो कलर टाइप का आता है, ठीक है। तो हमारे पास आप देख लीजिए कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है, ये है आर के सीडलेस ग्रेप्स है। ये पूरा नया वैरायटी से हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी पे पूरा नया वैरायटी से, और ये जो पौधे हम लोग बाहर से लेके आता है, ठीक है, और इसके आप लोग अच्छा ग्रोथ बना के हम लोग अच्छा किशन भाई के पास भेज देते हैं। देखिए इसका कैटलॉग भी हम लोग लगा दिया है। और आर के ग्रेप्स का मेन खासियत यही होता है इसका जो फ्रूट ये देखिए पूरा गुच्छे भर के इसमें फ्रूट लगते हैं, कोई सिंगल फ्रूट इसमें नहीं लगते हैं, पूरा थोल जैसे पकड़ते हैं ऐसे फ्रूट इसमें देखने से मिल जाता है। तो हमारे पास पौधा आप देख लीजिए बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है और 100% जेन्युइन पौधा है। हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी 100% जेन्युइन पौधा भेजते हैं, कोई प्लांट आपको उल्टा सीधा नहीं होता है, और इंडिया का कई भी जगह से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पास जितने भी प्लांट आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारा होम डिलीवरी का सर्विस भी अवेलेबल है, और रिटेल होलसेल दोनों में मेरे पास अवेलेबल मिलता है, और इंडिया का कई भी जगह से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा ऑल ओवर इंडिया होलसेलर है, ठीक है। और इसका जो आपको आर के ग्रेप्स का पौधा जो है इसका हाइट आपको लगभग 3.5-4 फीट का पौधा भी मेरे पास मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट पूरा फुल मैच्योर हो गया, क्योंकि ये प्लांट आप लगा दीजिए और इसका ऊपर से आप फ्रूट ले लीजिए, इसका काम यही होगा, ठीक है। देखिए फुल मैच्योर वाला प्लांट है, आपको कोई प्लांट आपको उल्टा सीधा नहीं होगा। ये देखिए हम इसका अंदर देखा रहे, देखिए सब मैच्योर वाला प्लांट है जो देखाएंगे। देख लीजिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल पौधा है, ठीक है, ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल है। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं सुपर सानो का ग्रेप्स का पौधा है, ठीक है। इसका जो फ्रूट होता है पहले ग्रीन कलर आता है और मैच्योर होने के बाद थोड़ा सा वाइट कलर टाइप का होता है, ठीक है। ये देखिए हमारा पास कितना हेल्दी प्लांट है, ये है सुपर सानो का ग्रेप्स का पौधा है। ये देख लीजिए हमारा पास कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है, आप देख लीजिए। तो ये प्लांट आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी पर अवेलेबल मिलते हैं। ये देखिए इसका पत्ता भी बिल्कुल अलग है, लेकिन ग्रेप्स का सभी पौधा देखने से एक ही लगते हैं, लेकिन इसका पत्ता थोड़ा सा अलग होता है। ये देखिए पूरा 1.5 साल का ग्रेप काटिंग वाला पौधा है हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी। देखिए हमारे पास कितना सारा पौधा स्टॉक पर है, ठीक है। तो ये जितने भी वेराइटीज हम देखा रहे ये कोई भी वेदर से प्लांट हो जाता है हमारे पास, आप देख लीजिए। लेकिन 50 का ऊपर टेम्परेचर, गर्मी का टेम्परेचर होगा तो ये प्लांट नहीं शूट कर पाए, लेकिन 40 का आसपास में होगा तो ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इंडिया में हो रहा है बहुत ही अच्छा से, और आप लोग भी मंगा सकते हैं हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से, ठीक है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं ये कृष्णबिलक ग्रेप्स का पौधा है, ठीक है। ये देखिए कृष्णबिलक एक अच्छा सुपर हिट वैरायटी से, और इसका जो फ्रूट होता है पहले ग्रीन कलर आता है और मैच्योर होने के बाद पूरा ब्लैक कलर का होता है। तो हमारा पास पौधा आप देख लीजिए कितना अच्छा मॉस वैरायटी से, ये है ब्लैक कृष्णबिलक ग्रेप्स का प्लांट है। ये देखिए हमारा पास कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है, आप देख लीजिए। ये जो वैरायटीज आप देख रहे हैं अम्मा सरिता ग्रेप्स का पौधा है, ठीक है, एक अच्छा सुपर हिट वैरायटीज है। इसका जो फ्रूट है आपको ब्लू कलर का होता है, पहले ग्रीन कलर आता है और मैच्योर होने के बाद पूरा ब्लू कलर का होता है। तो हमारा पास ये पौधा भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए हमारे पास कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है, आप देख लीजिए।
ठीक है। और ये जो वैरायटी से ये भी आपको छोटा छोटा गमला के ऊपर आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो रूट ज़्यादा नीचे से नहीं जाता है, वो थोड़ा सा रूट में प्लांट अच्छा सर्वाइव हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इसका हाइट आपको 2.5-3 फीट का पौधा भी मेरे पास है, देख लीजिए हमारे पास कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है, देख लीजिए। ये देखिए इसका हाइट आप देख लीजिए पहले। और हमारा पास ग्रेप्स का आपको 10-15 रकम का वैरायटीज है, ठीक है। तो कोई भी वैरायटीज आप ले सकते हैं। ये जो है आपको NHD ग्रीन कैप्सूल का पौधा है, इसका जो फ्रूट है आपको ग्रीन कलर होता है और छोरू छोरू होता है, ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है, बहुत पतला होता है, और इसका फ्रूट ज़्यादा पकड़ता है NHD ग्रीन कैप्सूल का। ये देखिए हमारे पास कितना हेल्दी प्लांट है। तो ये प्लांट आप मंगा सकते हैं, हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी में अवेलेबल है, ठीक है। ये देखिए इसका हाइट आपको 3.5-4 फीट का पौधा भी मेरे पास मिल जाएगा। देखिए हमारे पास बहुत ही अच्छा मॉस वैरायटीज है NHD ग्रीन कैप्सूल, ठीक है, देख लीजिए बहुत ही अच्छा मॉस वैरायटीज है। इसका फ्रूट ज़्यादा गुच्छे भर के आता है। और कई कई आदमी मेरे को फ़ोन करके पूछता है, भैया प्राइज लिस्ट बना के भेजिए। तो हमारे पास प्राइज लिस्ट नहीं होता है, कई कई आदमी 2 पेस ले रहे हैं, कई कई 10 प्लांट ले रहे हैं, इसके लिए हम लोग प्राइज लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो जो जो प्लांट है आप व्हाट्सएप में लिख कर भेजना पड़ेगा, इंग्लिश में टाइप करके, तो हम आपको प्राइज दे देंगे सबको प्लांट को, ठीक है। और आपको मिनिमम आपको 20-30 प्लांट होगा तो हम लोग होलसेल करने के पाए, ठीक है। लेकिन 5-10 पीस के लिए हम लोग होलसेल नहीं लेते हैं, लेकिन उसका कोरियर का खर्चा, हमारा सब कुछ खर्चा भी पड़ जाता है, इसलिए आपको मिनिमम आपको 8-10 प्लांट होगा तो आपको सही से हम लोग होलसेल बनाने पाए, ठीक है सर। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, ये गोल्डन कास्टेड एप्पल का पौधा है, ठीक है। इसका जो खासियत है, इसका जो फ्रूट होता है ऊपर से आपको गोल्डन कलर का होता है और इसका अंदर पूरा व्हाइट कलर का होता है। तो हमारे पास पौधा आप देख लीजिए, इसके ऊपर अभी ऑलरेडी फॉलर भी लगा हुआ है, ये देखिए कितना छोटा छोटा पौधा है और इसका अभी फॉलर भी लगा हुआ है। यह गोल्डन कास्टेड एप्पल, ये पूरा नया वैरायटीज है और ये सभी ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, ठीक है। और इसका ऑल ओवर इंडिया इसका कॉमर्शियल हो रहा है और बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्शन इसका ऊपर से ले रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, UP MP हर जगह में इसका प्लांटेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो प्लांट है और कोई भी आपको कई भी जगह पर ये प्लांट हो जाता है, कोई स्पेशल ऐसा नहीं है जो ये मिट्टी से होगा, ये वेदर से होगा, या कई भी मिट्टी से प्लांटेशन हो जाता है। ये आप देख लीजिए इसके ऊपर अभी छोटा छोटा फॉलोअर भी है, ठीक है। ये देखिए सब मैच्योर वाला ग्राफ्टिंग है, 2 साल का आसपास वाला ग्राफ्टिंग है। देखिए हमारे पास कितना हेल्दी प्लांट है और इसका ऊपर जो छोटा छोटा फॉलोअर भी आना स्टार्टिंग हो गए वो सब गिर जाएगा, क्योंकि वो फ्रूट नहीं होगा, लेकिन ये मिट्टी के ऊपर जब लगाएंगे तो आपको इसका फ्रूट से भी पूरा भर जाएगा। ये है गोल्डन कास्टेड एप्पल, देखिए हमारे पास कितना हेल्दी प्लांट है गोल्डन कास्टेड का, ठीक है। ये प्लांट आप लगा सकते हैं, छोटा छोटा गमला के ऊपर ये प्लांट लगा सकते हैं टेरेस गार्डन, होम गार्डन बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा मुनाफा इसके ऊपर से मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। देखिए हमारे पास कितना सारा पौधा स्टॉक पर है, इंडिया का कई भी जगह से प्लांट आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका दूसरा प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिलेगा, जो रेड कास्टेड एप्पल, वो भी हम इस वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। देखिए हमारा गोल्डन कास्टेड एप्पल, इसका जो हाइट है आपको लगभग 2.5-3 फीट का पौधा है, हमारा पास ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ये मीडियम साइज़ का पौधा है, ठीक है। आप ऑर्डर करेगा तो ये प्लांट भी आपको मिल जाएगा और कोई प्लांट आपको उल्टा सीधा नहीं होगा। और हम बार बार बोलते हैं आपको, हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी में प्लांट छोटा हो और बड़ा हो आपको फ्रूट आएगा, ये मेरा गारंटी है। और ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी कोई उल्टा सीधा प्लांट नहीं बेचते, जो बेचते हैं 100% जेन है, ओके। प्लांट भी अवेलेबल है। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, अंजीर का प्लांट आप देखिए हमारे पास कितना अच्छा मॉस वैरायटीज है। तो किसान चाहते इसका जो फ्रूट होगा पहले ग्रीन कलर होगा और मैच्योर होने के बाद इसमें पूरा रेड कलर का होगा, ठीक है। ये एक अच्छा सुपर हिट वैरायटीज है, ये खाने के लिए बहुत ही डॉक्टर फार्मा के लिए होता है, क्योंकि ये खाने के बारे में आपको, खाने के बाद इसका जो हड्डी का मजबूत हो जाता है, ठीक है, जो आदमी का हड्डी का मजबूत हो जाता है फ्रूट खाने के बाद, ठीक है। तो हमारा पास पौधा आप देख लीजिए बहुत ही अच्छा मॉस वैरायटीज है और इसमें कितना हेल्दी प्लांट है आप देख लीजिए। इसका जो फ्रूट है एक एक फ्रूट में 2-3 फ्रूट में आपको 100 ग्राम का होता है,
इसमें ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है, ये मीडियम साइज़ का होता है, ठीक है। और ये खाने के लिए काफ़ी अच्छा स्वीट लगते है। ये वाला प्लान मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। देखिए हमारा पास ये देखिए प्लांट, देखिए कितना अच्छा है, हेल्दी प्लांट है हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी, ठीक है। यह है बिग फिंगर अंजीर का पौधा है, देखिए हमारा पास कितना अच्छा मॉस वैरायटी से। और ये जो फ्रूट है ये भी गुच्छे भर के आता है, और ये पूरा ऑल टाइम होता है, हर साल में इसका फ्रूट आपको मिलता है आसानी से, ये देखिए। और इसका पत्ता भी बिल्कुल अलग है क्योंकि पहाड़ी का वैरायटी से है वाला, ठीक है। तो हम इसका जो है आपको कटिंग करके प्लांट तैयार किया है। अगर कोई किशन भाई इसका प्लांट लगाना चाहते हैं तो कमर्शियल करने के लिए प्लांट मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा पास कितना अच्छा है और प्लांट का हेल्दी है कितना, देख लीजिए। हेलो, फोन किए कि? और ये जो प्लांट है ये डॉक्टरी फॉर्मूला के लिए अच्छा वैरायटी से, ठीक है। देख लीजिए हमारा पास कितना सारा प्लांट स्टॉक पर है। कोई किशन भाई कोई भी जगह से प्लांट आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठ के आप ऑर्डर कीजिए, आपको होम डिलीवरी का सर्विस भी अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं, ये थाई बेल का पौधा है, ये देखिए हमारा ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, ये देखिए सब मैचर वाला है, ठीक है। ये जो प्लांट है ये आपको 1.5 साल का ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, और ये प्लांट आप लगाएंगे तो आपको 2 साल का बाद आपको फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाएगा। और इसका जो खासियत है, इसका जो फ्रूट होता है ये बड़ा साइज़ का होता है, जो हाइब्रिड वाला बेल है, ठीक है। और इसका जो फ्रूट का साइज होता है, एक एक फ्रूट में आपको 1 केजी का ऊपर भी हो जाता है, एक एक फ्रूट में, और ये हाइब्रिड वाला फ्रूट है, ठीक है। तो ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, और ये आपको 10-15 इंची का गमला के ऊपर ये प्लांट आप लगा सकते हैं। अगर कोई किशन भाई इसका प्लांट टेशन करना है तो मेरा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और इसका जो फ्रूट गुच्छे भर के आता है, जो लगते हैं पूरा गुच्छे भर के लगते हैं, ठीक है। तो हमारा पास पौधा आप देख लीजिए कितना हेल्दी प्लांट है, आप देख लीजिए। और इसका फ्रूट गुच्छे भर के आता है, इसका उम्र जब भी 4-5 साल हो जाएगा उसका जो फ्रूट पूरा गुच्छे भर के लगते हैं, ठीक है। तो हमारा पास पौधा है, और इसका जो फ्रूट का साइज पूरा राउंड शेप में आता है, और इसका अंदर जो बीज वो ज़्यादा होता है लेकिन छोटा छोटा होता है, और खाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा लगता है, स्वीट लगते हैं बहुत ही अच्छा, ठीक है। और इसका अंदर जो बीज हो ज़्यादा पकड़ते हैं बीज, ठीक है। ऊपर से येलो कलर का होता है और इसका अंदर रेड कलर टाइप का होता है। ये वाला प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, और ये प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कांटेक्ट कीजिए। और ये जो है हमारा थाई वैरायटी से, क्योंकि इसमें जल्दी फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाएगा। और ये जो हमारा सब ग्राफ्टिंग वाला है, कोई बीज से तैयार प्लांट नहीं है, ठीक है, सब मैच्योर वाला प्लांट है। तो इंडिया का कई भी जगह से प्लांट आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये भी कोई भी मिट्टी से और कोई भी वेदर से प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। ये प्लांट भी अवेलेबल है, ओके सर। नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं, ये काला मरीच का कटिंग वाला पौधा है हमारा पास, ये देख लीजिए हमारा पास कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है। ये जो है आपको मीडियम साइज़ का पौधा है, और ये प्लांट आप लगाएंगे तो आपको 3-4 महीने के अंदर में फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाएगा। ये है काला मरीच का पौधा है हमारा पास। तो हम इस वीडियो में दिखाया था, जो हमारा 2-3 प्लांट हम गमला के ऊपर लगाया था सेट करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा फ्रूट भी उसके ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो गुच्छे भर के इसमें फ्रूट लगते हैं काला मरीच का। और ये जो प्लांट है ये पूरा 2 साल का आसपास का वाला प्लांट है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मैच्योर वाला प्लांट है। और हमारा पास देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, आप देख लीजिए। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, और ये प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। इंडिया का कई भी जगह से आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारा 1 पीस 2 पीस के लिए होम डिलीवरी का सर्विस अवेलेबल है, और 1-2 पीस लेने के लिए उसका रेट अलग होता है। और 20-30 प्लांट लेंगे तो उसके हम लोग होलसेल बनाने के लिए हम लोग ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं। देखिए हमारा पास कितना हेल्दी प्लांट है, इसका हाइट आपको 2-2.5 फीट का है, ये प्लांट भी अवेलेबल है, ओके सर। नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं, ये 5 फिंगर अंजीर का पौधा है, ठीक है। इसका जो खासियत होता है, इसका जो फ्रूट होता है ये भी गुच्छे भर के आता है, और ये थोड़ा सा लंबा होता है और पीछे से राउंड शेप में आता है। और ये देखिए हमारा पास कितना हेल्दी प्लांट है, ये है 5 फिंगर। और इसका पत्ता
इसका इसलिए पहचानते हैं, इसका जो पाता है थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। फाइव फिंगर अंजीर का इसका पाता भी देखिए, फाइव फाइव करके लगा हुआ है इसका पाता का काटिंग। देखिए देखिए हमारा पास कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है फाइव फिंगर का। ये प्लांट आप लगाएंगे तो आपको सामने डेढ़ साल के अंदर में आपको फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाएगा ये प्लांट में। ये देखिए हमारा पास कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है, और ये खाने के लिए काफ़ी अच्छा स्वीट लगते है, ये वाला प्लांट है। और इसका जो फ्रूट पहले ग्रीन कलर आता है और मैच्योर होने के बाद पूरा येलो कलर का होता है, ठीक है। और इसका जो फ्रूट का गेटअप भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने से। और इसमें जो प्लांट है ये आपको जल्दी फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाता है, ये आपको ऑल टाइम होता है। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं, ये गोल्डन एड गोवा का प्लांट है। ये देखिए हमारा पास कितना हेल्दी प्लांट है, और इसका जो हाइट है आपको लगभग 3.5-4 फीट का पौधा भी है। ये देखिए सब ग्राफ्टिंग वाला है, और कई कई पौधे में ऑलरेडी फ्रूट भी लगा चालू हो गया है, ठीक है। लेकिन ये जो गोल्डन एड गोवा है इसका जो फ्रूट होता है पूरा व्हाइट डायमंड का तरह होता है, और ये देखने से आपको व्हाइट डायमंड का तरह लगता है। और गोल्डन एड गोवा इसका जो फ्रूट जो होता है पूरा राउंड शेप में गोल होता है, ऊपर से आपको ग्रीन कलर होता है और इसका अंदर व्हाइट कलर का होता है। और इसका सीड ज़्यादा आता रहते हैं, और सीड जो है बहुत छोटा छोटा पतला रहता है, ठीक है। ये खाने के लिए आपको काफ़ी अच्छा स्वीट होता है। ये है गोल्डन एड गोवा का हमारा ग्राफ्टिंग वाला पौधा, आप देख लीजिए पूरा मैच्योर वाला प्लांट है। और इसका जो खासियत है आपको बारहमासी फ्रूट मिलता है, कई भी साल आपको मिस नहीं होता है, हर साल इसका ऊपर से आप फ्रूट ले सकते हैं। ये देखिए ये जो ग्राफ्टिंग है किया था, इसका उम्र हो गया पूरा 2 महीने का ऊपर है, ठीक है सर। और इसमें बड़ा साइज का फ्रूट होता है जो 500-700 ग्राम का वेट होता है एक एक फ्रूट में। गोल्डन एड गोवा बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है हमारा पास, आप देख लीजिए। ये प्लांट भी कोई किशन भाई चाहिए तो हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से कॉन्टेक्ट कीजिए, प्लांट अवेलेबल है। ओके सर, सर ये जो वेराइटीज आप देख रहे हैं हमारा फलसा का पौधा है, ये पूरा नया वेराइटीज है हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी का, ठीक है। तो इसका बहुत सारा कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है, जो भैया फलसा का ऊपर एक बार वीडियो बना के भेजिए और वो पौधा भी हमको भेजिए, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में देखा रहे हमारा फलसा का पौधा है। इसका जो फ्रूट होता है पहले ग्रीन कलर होता है, और उसका बाद रेड होता है, उसका बाद मैच्योर होने के बाद पूरा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। और ये जो प्लांट है ये फ्रूट पकने के लिए आपको पूरा फुल धूप इसका ऊपर देना पड़ेगा, जितना ये फ्रूट मैच्योर करने के लिए पूरा ज़्यादा धूप का ज़रूरत है प्लांट का ऊपर, ठीक है। और इसका जो फ्रूट है आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, आपको बेर का तरह होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ठीक है। और एक गुच्छे भर के लगते हैं, ठीक है। हमारा पास ये प्लांट भी अवेलेबल मिल जाएगा। और इसका जो पाता है देखिए पूरा पान का तरह फैला हुआ है, आप देख लीजिए। ये देखिए इसका पाता भी देखिए पूरा पान का तरह फैला हुआ है। ये है फलसा का पौधा है, पूरा नया वेराइटी से। और इसका ग्राफ्टिंग वाला पौधा नहीं होता है, इसका जो होता है सीडली ग्राफ्टिंग होता है, ठीक है। प्लांट भी मेरे ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी में अवेलेबल है। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, ये थाई ब्लैक गोवा का प्लांट है, ठीक है। ये देखिए हमारा सब बिग साइज़ का प्लांट है, और इसका हाइट आपको लगभग 3.5-4 फीट का पौधा भी मेरे पास मिल जाएगा। तो इसका बहुत सारा कस्टमर जानते हैं जो ब्लैक डायमंड का तरह लगते हैं, ये ब्लैक डायमंड नहीं है, ये थाई वेराइटी से ब्लैक गोवा का प्लांट है, ठीक है। एक इसका जो फ्रूट होता है ऊपर से आपको रेड कलर का होता है, इसका अंदर भी रेड कलर का होता है, और ये आपको बारहमासी फ्रूट मिलते हैं। हमारे पास देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, आप देख लीजिए। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा, और ये प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है सर। ये प्लांट भी अवेलेबल है, ये देखिए हमारे पास बहुत ही हेल्दी प्लांट है। नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, ये राम भूटान, जो जोड़ ग्राफ्टिंग वाला राम भूटान का पौधा है। इसका जो हाइट है आपको लगभग 3.5 फीट का पौधा भी मेरे पास मिल जाएगा। देखिए मैच्योर वाला प्लांट है राम भूटान का, और इसका जो फ्रूट होता है आपको KG10 वाला होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है, 10 फ्रूट में आपको 1 kg होता है ये वाला वेराइटी से। देखिए हमारा पास कितना हेल्दी प्लांट है, आप देख लीजिए। यह KG10 राम भूटान का पौधा है, और इसका ऊपर का जो सील होता है रेड कलर का होता है, और इसका अंदर वाइट कलर का होता है, और खाने के लिए काफ़ी अच्छा लगते हैं, ठीक है, स्वीट लगते हैं। और ये लीची का तरह फल होता है।
लीची जैसे ऊपर का सील तोड़ने के बाद खाना पड़ेगा। ये भी आपको ऊपर का जो सील आपको फेंक के उसका अंदर जो लीची के द्वारा खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा पास पौधा आप देख लीजिए, और ये जो जोड़ ग्राफ्टिंग है ये आपको जल्दी फ्रूट आने का मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फुल मैच्योर वाला प्लांट है। ये प्लांट आप लगाएंगे तो आपको एक डेढ़ साल के अंदर में आपको फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ये प्लांट भी अवेलेबल है। ओके सर, ये जो वैरायटीज आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे मोस्ट वैरायटीज है। ये हिंग मशाला का पौधा है। ये देखिए हमारे पास ग्राफ्टिंग वाला पौधा है, और ये मशाला के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसका खुशबू भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये देखिए हिंग मशाला का कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी में। ये पूरा नया वैरायटीज है। ठीक है, और ये वैरायटीज लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से कॉन्टैक्ट कीजिए। ये प्लांट भी अवेलेबल है। देखिए हमारे पास कितना अच्छे हेल्दी प्लांट है, देख लीजिए। ये देखिए सब ब्रांचेस वाला है, सब मल्टी ब्रांचेस वाला है, और सब मैच्योर वाला है। हिंग मशाला का पौधा है, देख लीजिए। इसका जो नया नया पत्ता जो गिरेगा उसका लिए आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा। ठीक है, देख लीजिए कितना है मैच्योर वाला प्लांट है। तो इस तरह प्लांट मेरा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी में अवेलेबल है इंडिया का कई भी जगह से, जितने भी वैरायटीज आप ले सकते हैं। ठीक है, हमारा ऑल ओवर इंडिया सर्विस डिलीवरी सर्विस का अवेलेबल है, होम डिलीवरी सर्विस का। ठीक है, प्लांट भी अवेलेबल है। इधर में हम दिखाएंगे आज पुष्प नया नया वैरायटीज़ जो खजूर का पौधा है। ठीक है, खजूर का कुछ नया नया वैरायटीज़ हम इस वीडियो में दिखाएंगे। पहली प्लांट आप जो देखा रहे हैं आजुआ खजूर का पौधा है। ठीक है, ये पूरा नया वैरायटीज़ है, और ये जो प्लांट है आपको लगाने के बाद आपको लगभग दो साल का बाद आपको फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाता है। ठीक है, आजवा खजूर का पौधा है, ये पूरा नया वैरायटीज है हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से। ठीक है, ये प्लांट भी इंडिया का कई भी जगह से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये प्लांट भी मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट प्लांट हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कानाजी खजूर का पौधा है। ये देखिए इसका पत्ता भी थोड़ा सा अलग होता है, और ये प्लांट लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से संपर्क कर सकते हैं। ये प्लांट भी अवेलेबल है। इसका जो फ्रूट आपको तीन साल का बाद आपको फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाएगा। ये देखिए इसका हाइट जो है आपको दो अढ़ाई फीट का पौधा भी मेरे पास मिल जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा मॉस वैरायटीज है खजूर का। ये छोटा सा गमला को ऊपर प्लांट आप उगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं ये बेरोही खजूर का पौधा है। ये देखिए हमारा पास कितना अच्छा प्लांट है। ये आपको प्लांटेशन करने के बाद आपको लगभग दो साल का बाद फ्रूट आना स्टार्टिंग हो जाएगा। ठीक है, हमारा पास ये देखिए सब बाहर का वैरायटीज है। खजूर का हमारा तीन वैरायटीज मेरे पास अभी अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी वैरायटीज लेने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी का सुविधा अवेलेबल है। ये प्लांट आप देखिए बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है हमारे पास, देख लीजिए। और इंडिया का कई भी जगह से प्लांट आप घर बैठ के आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा होम डिलीवरी का सर्विस भी अवेलेबल है, और हमारा होलसेल रिटेल दोनों में मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया का कई भी जगह से आप ऑर्डर कीजिए। नेक्स्ट प्लांट हमारा पास आप लोग देख सकते हैं रेड कास्टर्ड एप्पल। रेड कास्टर्ड एप्पल एक अच्छा सुपर हिट वैरायटी से। इसका जो फ्रूट होता है ऊपर से आपको रेड कलर का होता है, और इसका अंदर वाइट कलर का होता है, और ये खाने के लिए काफ़ी अच्छा स्वीट होता है। इसका जो फ्रूट मैच्योर होने के बाद देखने से बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, हमारा पास पौधा आप देख लीजिए बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट है, देख लीजिए। और ये आपको गुच्छे भर के लगता है, और खाने के लिए काफ़ी अच्छा स्वीट लगता है। और इसका ऊपर ऑलरेडी छोटा छोटा फॉलर भी आना स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये प्लांट भी अवेलेबल मिल जाएगा, और ये कई भी वेदर सर कई भी मिट्टी से प्लांट आप लगा सकते हैं। और कोई किशन भाई इसका प्लांटेशन करना है तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये प्लांट भी अवेलेबल मिल जाएगा, और इसका होलसेल का प्राइस में आपको मिलेगा किशन भाई के लिए। ठीक है, और हमारा यूट्यूब चैनल सबसे अच्छे से वीडियो देखने के लिए नया फ्रेंड्स हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ऑल कीजिए, क्योंकि हम सबसे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को दिखाने के लिए डालते हैं। ठीक है, और कोई किशन भाई ट्रीज गार्डन होम गार्डन बनाने के लिए हमारा ग्रीन ट्री प्लांट नर्सरी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा होम डिलीवरी का सर्विस अवेलेबल है, और इंडिया का कई भी जगह हर कोना में हम लोग प्लांट भेजते हैं, और जो प्लांट भेजते हैं 100% जेन्युइन, कोई प्लांट आपको उल्टा सीधा नहीं होगा। ठीक है, और जो जो प्लांट है आपको इंग्लिश में टाइप करके मेरा व्हाट्सएप पे लिख के भेज दीजिए, हम आपको सबका प्राइस दे देंगे।
जितना भी वैरायटीज है, और उसका हाइट बिग साइज़ के प्लांट चाहिए तो बिग साइज़ भी मिल जाएगा, और 2 फीट प्लांट चाहिए तो 2-2.5 फीट का प्लांट भी मिल जाएगा। जो हाइट का पौधा लेना है तो आपको मिल जाएगा। मैचर्ड वाला प्लांट भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और इंडिया का कई भी जगह से आप ऑर्डर कीजिए ऑल ओवर इंडिया होम डिलीवरी का सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल पूरा वीडियो देखने का थैंक यू यूट्यूब वॉचिंग माई वीडियो। ओके।